नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, 20 साल बाद विदर्भ को मिला पीडब्ल्यूडी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले राष्ट्रवादी और कांग्रेस नेताओं में कल मंत्री विभागों का बंटवारा किया गया, जिसमें डॉक्टर नितिन राउत इनके हिस्से पीडब्ल्यूडी, आदिवासी विकास, महिला और बाल विकास, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, मदद एवं पुनर्वास मंत्रालय, पिछड़ा वर्ग और सामाजिक और शिक्षा पिछड़ा वर्ग, विमुक्ति जाति, भटके जमाती और विशेष पिछड़ा प्रवर्ग कल्याण मंत्रालय। इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी अब विदर्भ के मंत्री डॉक्टर नितिन राउत इनके कंधों पर आ गई है। इससे विदर्भ वासियों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। मैं अब भाजपा की कोर कमेटी की सदस्य नहीं, पंकजा मुंडे का बड़ा ऐलान। पंकजा मुंडे ने भाजपा पार्टी के बारे में कहा कि यह पार्टी उनके पिता की है और इस पार्टी को उनके पिता ने खड़ा किया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि यह पार्टी किसी की जागीर नहीं है। चंद्रकांत पाटिल से उन्होंने कहा कि उन्हें कोर कमेटी से मुक्त किया जाए और अब वह कोर कमेटी की सदस्य नहीं है। पंकजा मुंडे का कहना है कि बेईमानी उनके खून में नहीं है और अब वे पार्टी के लिए ही काम करेंगी। उन्होंने जल्द ही मुंबई में गोपीनाथ मुंडे सुविधा कार्यालय शुरू कर राज्य के दौरे पर जाने की बात भी कही है। पंकजा मुंडे के आक्रामक बयान पर बोले धनंजय मुंडे, पिछले कुछ दिनों से भाजपा से नाराज चल रही पंकजा मुंडे ने गोपीनाथगढ़ से दिए गए अपने भाषण में राज्य की भाजपा पार्टी की नेतृत्व पर जोरदार टीका की है। अपने इस भाषण में उन्होंने विरोधी पार्टी के नेताओं पर जोरदार हल्ला बोल दिया। पंकजा मुंडे इस आक्रामक भाषण पर धनंजय मुंडे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंकजा मुंडे की नाराजगी का कोई मतलब ही नहीं बनता। आगे धनंजय मुंडे का कहना है कि मतदार संघ पंकजा मुंडे से नाराज था और यह बात उन्होंने स्वीकार कर लेनी चाहिए। ऐसे शब्दों में धनंजय मुंडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गोपीनाथ मुंडे ने कभी पीठ पर खंजर नहीं घोंपा, खड़से का भाजपा पर प्रहार। गोपीनाथ मुंडे की जयंती कार्यक्रम पर एकनाथ खड़से ने फिर से एक बार भाजपा को घेरा और उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे की वजह से भाजपा की पहचान बदल गई थी। इसी के बाद पार्टी की पहचान दलितों को न्याय दिलाने के साथ ही बहुजन समुदाय को पार्टी के रूप में उभरी है। खड़से ने कहा कि गोपीनाथ मुंडे ने पार्टी को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।